हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बैनिक स्मार्ट क्लासेस। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अक्सर हम इस पे कंफ्यूजन होते हैं जब भी हम वेट मेजर करने के लिए जा रहे हैं। मान लो कि आप वेट मेजर कर रहे हैं, कोई बता दिए कि मेरा वेट 60 kg है, 70 kg है। अक्सर आप लोगों को ये पता नहीं कि वो एग्जैक्टली आप क्या मेजर किए हैं, क्या वो आपका वेट है या फिर वो आपका मास है। जब भी आप कहते हैं कि मेरा वेट 60 kg है, आपको ये याद रखना चाहिए कि केजी मास का यूनिट होता है। तो अगर आप मास का यूनिट लगा रहे हैं तो आप वेट उसको कैसे बोल सकते हैं, चाहे वो वेट हो या फिर मास हो। हम उसको क्लास का एंड में ही डिस्कशन करेंगे एक्चुअली आप क्या मेजर करते हैं। फिलहाल के लिए जो अभी हम समझेंगे, जो वेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ये जी का फॉर्मूला क्या है, ए जी किस हिसाब से चेंज होता है वो भी हम पढ़ेंगे। सो लेट्स कम टू द टॉपिक वेरिएशन ऑफ जी विथ डिफरेंट फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नो, यू हैव टू नो द फॉर्मूला ऑफ जी। व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ जी? ओके, सो बेसिकली व्हेन यू गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ जी, जी हैज ए फॉर्मूला, जी इक्वल टू जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर। दिस वॉज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ जी। इन दिस फॉर्मूला जी, कैपिटल जी, मास, रेडियस, फाइव क्वांटिटीज आर देयर, डोंट बी कंफ्यूज्ड। G stands for, that small g stands for acceleration due to gravity, capital G stands for gravitational constant, ME stands for mass of earth, RE stands for radius of earth. You have to know this formula so as to proceed further. Now let me assume the value of G is being changed. तो आप लोग क्या समझेंगे G किस हिसाब से चेंज हो रहा है? बड़ा ही फंडामेंटल कंसेप्ट है। अगर कोई चीज कुछ चीजों से डिराइव हुआ है, अगर वो चेंज हो रहे हैं तो इसको भी चेंज होना पड़ेगा। मतलब बहुत ही साफ है, जी शायद जी के ऊपर डिपेंड कर सकता है, शायद मास के ऊपर डिपेंड कर सकता है, शायद रेडियस के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जो कैपिटल जी है दैट्स कॉल्ड एज यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो कभी चेंज नहीं होता है, उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी बचा मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ के हिसाब से जी चेंज होता है, रेडियस के हिसाब से भी चेंज होता है। अगर मास बढ़ गया तो भी जी बढ़ जाएगा, अगर रेडियस बढ़ गया तो जी डिक्रीज हो जाएगा, जो कि एक फ्रैक्शन का वैल्यू है। बच्चों, ये जो मास है और रेडियस है, दीज आर नॉट द टू ओनली फैक्टर्स ऑन विच द जी डिपेंड्स। जी सिर्फ इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर जी डिपेंड करता है। चलो अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके ऊपर जी डिपेंड करता है। चलो अभी समझते हैं वो जी का फैक्टर्स। जो पहला फैक्टर रहता है, पहला फैक्टर जिस पे जी डिपेंड करता है वो है अल्टीट्यूड। जहां तक मुझे पता है आप लोगों को अल्टीट्यूड क्या होगा पता होगा। अल्टीट्यूड का सिंपल मीनिंग होता है हाइट। कभी भी मान लो कि यहां पे हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा सरफेस वगैरह है, सरफेस पॉइंट है, और एक बॉडी यहां पे है, मतलब बिल्कुल सतह के ऊपर। अब वो बॉडी क्या किया, थोड़ा ऊपर जाने लगा। दैट बॉडी अटेन सम हाइट अबव द सरफेस। नाउ द बॉडी इज एट दिस पोजिशन। अभी मैं कह सकता हूं कि आप जो ये डिस्टेंस देख नहीं रहे थे, जो रेडियस था इतना इतना जो रेडियस था, ये रेडियस अभी डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, मतलब आर बढ़ गया है। अगर कोई फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बढ़ गया है तो वो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, ऑफकोर्स डिक्रीज ही होगा। मतलब अगर कभी हाइट बढ़ जा रहा है तो जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये था पहला फैक्टर। अब दूसरे फैक्टर पे आते हैं। अगर हाइट ना बढ़ के थोड़ा हम अंदर चले जाते हैं, अर्थ के अंदर चले जाते हैं, तो फिर जी का वैल्यू क्या होगा,
अगेन दोस्तों ये z यहां पे भी डिक्रीज होगा, मतलब एक बॉडी अगर अर्थ के अंदर चले जाता है तो भी g का वैल्यू डिक्रीज होगा। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप नोट कर सकते हैं, z एट सम सर्टेन डेप्थ विल बी z होल इनटू 1 माइनस d अपन r। ये है डेप्थ का फॉर्मूला, मतलब z का वैल्यू कितना होगा, जितना था g, फिर 1 माइनस d अपन r। व्हाट इज d? d है हम कितना अंदर गए हैं, वो है d का वैल्यू। तो अभी बस ये दो चीज हम पढ़े, अगर हाइट इंक्रीज हुआ तो g डिक्रीज होगा, अगर डेप्थ इंक्रीज हुआ तो भी g डिक्रीज होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, हाइट इज नॉट द ओनली फैक्टर ऑन विच g डिपेंड्स, देयर आर स्टिल another factor we have to consider so as to get the proper value of g. So let's move to that topic. अब क्या होता है, हम और एक फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो है लैटिट्यूड का वेरिएशन। अब लैटिट्यूड क्या है मुझे कहने की जरूरत है नहीं, आप ज्योग्राफी में क्लियर होंगे, लैटिट्यूड द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस दैट मूव थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट्स कॉल्ड एज लैटिट्यूड। अब मान लेते हैं ये है हमारा अर्थ, ओके ये है हमारा लैटिट्यूड और जो मिडिल वाला लाइन है वो है इक्वेटर। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा लैटिट्यूड स्टार्ट्स फ्रॉम 0 डिग्री, एक्सटेंड्स टू 90 डिग्री इन द नॉर्दर्न पोल एंड एक्सटेंड टू सेम 90 डिग्री टू द साउदर्न पोल। सो आज जो मूव थ्रू द इक्वेटर और लैटिट्यूड्स, जी का क्या कुछ वेरिएशन होता है, बिल्कुल वेरिएशन होता है, तो उसका भी फॉर्मूला थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, जी हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ये फॉर्मूला को जरा नोट कर लीजिए, ये है लैटिट्यूडनल वेरिएशन। व्हाट इज जी, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ जी, व्हाट इज ओमेगा एंगुलर स्पीड, व्हाट इज रेडियस और आर इज द रेडियस हियर, थीटा इज द लैटिट्यूड हियर। प्रीटी सिंपल, अगर आप ये थीटा की जगह 0 डिग्री डाल देते हैं तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, मतलब g डैश विल बी z माइनस ओमेगा स्क्वायर r, मतलब g डैश इज लेस देन z, सॉरी z है, g डैश इज लेस देन g, मतलब g का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। अगर वही हम थोड़ा पोल का वैल्यू डाल देते हैं, मतलब थीटा की जगह हम क्या डालते हैं 90, तो यहां पे जरा डालिए थीटा की जगह 90, तो थीटा यहां पे अगर 90 हो गया, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो रिजल्ट हम ये पाएंगे जी डैश इक्वल टू जी, मतलब यहां पे जी का वैल्यू सेम हो गया। तो ये हम पाए कि इक्वेटर में जी का वैल्यू थोड़ा कम जाता है और पोल जाते जाते जी का वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है। तो आज का जो टॉपिक था वो था जी का एक सिंपल सा वेरिएशन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, थैंक यू ऑल।